भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद मुगलपुरा में विगत 19 जुलाई 2021 को हुए बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने मुगलपुरा की लेडी डॉन जेबा खान और उसके देवर इंतेसार को दोषी करार दिया है। मामले में 3 साल बाद ADJ 5 सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया है। वहीं कोर्ट ने आज दोषी पाए गए लेडी डॉन जेबा खान और उसके देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेबा को 30,000 का जुर्माना लगाया, जबकि इंतेसार को 50,000 का अर्थदंड लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। बता दें कि कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है। गौरतलब हो कि पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगा अपराधियों ने हुसैनाबाद के मुगलपुरा निवासी आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में आरिफ की पत्नी यानी मृतिका की माँ और भाई चश्मदीद गवाह थे। वहीं इस घटना में कुख्यात अपराधी टिंकू मियाँ पर साजिश रचने का आरोप लगा था, जबकि मृतिका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बबरगंज थाने में केस दर्ज कराया गया था, जिसमें टिंकू मियाँ, जेवा खान, इंतेसार, बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। घटना के बाद मृतिका के पिता आरिफ पर केस उठाने का दबाव भी बनाया गया था। तब मृतिका के पिता पर जान मारने की नीयत से गोली भी चलाई गई थी, जिसको लेकर काजल के पिता आरिफ ने बबरगंज थाना में अलग से केस दर्ज कराया था। इधर आज दोषी पाई गई जेवा खान कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद गोद में अपने बच्चे को लेकर फूट फूट कर रो रही थी। जेवा के आसपास चल रहे लोग उसे भरोसा दिला रहे थे, लेकिन जेवा के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह फपक फपक कर रो रही थी। इधर न्यायालय के फैसले के बाद कोर्ट परिसर में मृतिका काजल के पिता आरिफ ने बताया कि 19 जुलाई 2021 को मेरी गर्भवती बेटी की हत्या घर पर कर दी गई थी और इसी माह में अदालत ने वाजिब फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हूं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे भय है कि अपराधी हम लोगों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सुनिए कोर्ट में इंतजार और जेवा खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन और काजल के पिता आरिफ ने क्या कुछ कहा। फिफ्थ कोर्ट से श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट से जो है जेवा खान को आजीवन कारावास 30,000 रुपया फाइन और इंतजार को आजीवन कारावास 50,000 रुपया फाइन। क्या है देर का जो जजमेंट समय दिया गया कोर्ट में, कितना समय? ये 3 साल के अंदर में जजमेंट हुआ है काजल हत्याकांड से। क्या मामला था सर? मामला ये था कि मामला ये जो है 19/7/2021 की घटना थी। आरिफ खान को मारने के लिए आया था, आरिफ खान को नए लगते उस गोली जो है उनकी बेटी को लगा काजल को, जिससे उसकी हत्या हो गई। उसके पेट में लगा, गर्भवती थी, हत्या हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, उसमें मृत घोषित कर दिया। इसमें 7 अभियुक्त हैं, जिसमें एक अभियुक्त जो है बोर्ड इसमें जे बोर्ड में चल रहा है, 3 2 अभियुक्त का अभी हुआ है, 4 अभियुक्त और जो है उसकी सुनवाई है तो चल रही है, बास पर है। उसका डेट 3 तारीख को है। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज हुसैन संतुष्ट से आजीवन दिया है दोनों को। आज मेरी बेटी को न्याय मिला है। आज कितने दिन के बाद फैसला आया? सर आज 3 साल हो गए। इसी जुलाई में 19 जुलाई को मारा था और 29 जुलाई में फैसला हुआ था। तो 3 साल कैसे फील किए? बेटी चली गई, 3 साल तो फील किए सर, रो रो के दुख तकलीफ में फील किए। संतुष्ट है कोर्ट के न्याय से? जी कोर्ट के न्याय से संतुष्ट है।
आगे सुनने में आया कि आपकी जान को भी खतरा है। जी बिल्कुल खतरा है। इसके लिए क्या सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या प्रशासन से मदद? प्रशासन से मदद ये कर रहे हैं कि प्रशासन जो है ऊपर पदाधिकारी जो है जितने हैं वो तो ठीक हैं, वो कई बार प्रोटेक्शन भी भेजते हैं साथ में, जब भी कोर्ट आते हैं तो भेजते हैं, लेकिन आज जो है बबरगंज बड़ा बाबू के पास हम गए कि चलिए कोर्ट जाना है, तो बोले SSP साहब से लिखवा के लाइए, जब तक लिखवा के हम आते तब तक तो सर टाइम वेस्ट हो गया होता। तो इसमें जी जी बिल्कुल, हम लोग मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, एक UPSC की तैयारी कर रहा है बेटा मेरा, वो पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे। क्या मांग करते हैं SP से? SP से यही मांग करते हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए, और गांव के लोगों से, समाज के लोगों से भी मांग करते हैं कि जिस तरीके से हम डटे रहे क्रिमिनल से, क्रेम से लड़ते रहे, वैसे आप लोग भी क्रेम और क्रिमिनल से लड़िए, क्रिमिनल का मानवता जो है उसको बढ़ाइए नहीं। इस बात को लेकर की सजा हुई है जी, ये गलत काम होते थे जैसे कन्ना किताब हो गया और ड्रग्स वगैरह बेचता हुआ, कन्ना किताब का बदबू बगल पड़ोस में उड़ता था, जिसके लिए ड्रग्स वगैरह में बच्चे खराब हो रहे थे, जिसका विरोध हमने किया था, इस कारण हुआ था। हाँ पैसे दे जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मैं काजल का पिता हूँ। संपत्ति को लेकर भागलपुर में बेटी दामाद का कलयुगी अवतार देखने को मिला है। पिता की संपत्ति के लिए हैवान बनी बेटी ने पहले तो अपने पिता को खूब लूटा और उसके बाद अपने पति के साथ मिलकर अपने ही पिता और भाई को बंधक बना लिया, साथ ही उसे हाई डोज की दवा भी देने लगी ताकि मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, वहीं बुजुर्ग बाप को पीटना भी शुरू कर दिया। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था जिसका वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस पहुंची और बुजुर्ग को रेस्क्यू किया। दरअसल भागलपुर जिला के इसापचक थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहपुरा इलाके में बेटी दामाद द्वारा वृद्ध पिता को बंधक बनाकर पीटने एवं प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। लोगों ने बताया कि वृद्ध के साथ यह सिलसिला 1.5 वर्ष से चल रहा था, पड़ोसियों को भी इसकी जानकारी थी लेकिन विवाद के डर से सभी चुप थे। इसी बीच मोहल्ले के युवक ने किसी तरह वृद्ध को प्रताड़ित करने के कुछ वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मोहल्ले के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ आरोपी बेटी दामाद के घर के सामने जुट गई और बेटी दामाद को मारने पर उतारू हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची इसापचक थाने की पुलिस के साथ CIT के जवानों ने उग्र भीड़ को शांत कराया, फिर दोनों आरोपी को थाने ले आई। घटना रविवार की है। जानकारी के अनुसार बरहपुरा के अमजद अली लेन के रहने वाले 75 वर्षीय जलील साले, जो PhD विभाग से बड़ा बाबू के पद पर रिटायर हुए हैं, जिन्हें उनके बेटी दामाद द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मामले में जलील साले के बेटे मोहम्मद इकबाल ने इसापचक थाने में अपनी बहन नाजनी बेगम और जीजा नासिर परवेज उर्फ गुड्डू के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया है। वहीं वृद्ध साले को उनका बेटा इकबाल अपने साथ लेकर चला गया। हम 3 महीने से इसको जो है ना घर में कैमरा लगा के न्यूज सेलेक्ट कर रहे थे। कई बार मेरे को शिकायत मिला कि तुम्हारे ससुर को मारा जा रहा है, तो बोला तो वो इसको कौन बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सबूत कहाँ? तो हम बोला ठीक है भाई, तब हम उसने कैमरे को 2-3 आदमी को सेट किया, कैमरा सेट किया, अब वीडियो हम करीब 82 वीडियो आया मेरे पास, जिसमें हम 7 वीडियो निकाल के DIG साहब को दिखाएं, SP साहब को दिखाएं, तब मीडिया वाले को बोले, जब रात में न्यूज वायरल हुआ
तब पूरा समाज का लोग जाएगा, नहीं तो पूरे समाज वाले को बरगला के रखे हुई थी। मेरे ससुर साहब को 45,092 रुपया मिलता है और उसके लिए 2 रुपया भी हराम है। 1.5 साल पहले उसको 10 रुपया देती थी, बोलती थी तुमको पेंशन नहीं मिल रहा, ये 5 से हम पैसा दे रहे हैं, है ना, और तुमको खिला भी रहे हैं हम ही, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। मेरे ससुर साहब को जलील साले और फिर जम्बू को, जम्बू पुकारू नाम हुआ, और जलील साले PhD के बड़ा बाबू है, तो उसके हम बड़े मजलिस दामाद हैं। हाँ, पप्पू हुसैनपुर। इकबाल जलील है। पिताजी का नाम? जलील साले। कहाँ काम करते हो? सिविल कोर्ट में, SDGM कोर्ट में है। आपके पिताजी के साथ क्या हुआ आज? आज 8 बजे रात में हम आए थे, वीडियो हम देखे, देखने के बाद देखे पापा को मार रहे हैं। कौन मार रहा है? बनोई साहब, अच्छा। नासिर परवेज पूर्व गुड्डू पैट पैट आ रहे हैं तो मुंह में पाक से मार रहे हैं, उधर से आ रहे हैं तो हाथ से अमेट के धक्का लेके मैंने मार रहे हैं, पापा को मार रहे हैं नासिर परवेज और गुड्डू दामाद जी। इतने दिनों से ये यहाँ पे क्यों रह रहे थे आप लोग, अपने साथ क्यों नहीं रखते थे? हमको घर से निकाल दिया गया था 8 साल से। हाँ, 8 साल से बाहर है, तो ततारपुर में रहते हैं। हाँ, बनोई के बाद, बनो और बहन दोनों मिलके हमने जो डेट करी उसका, तो वहाँ से हम आए मट्टी दफन करके आने के साथ उसके बाद उन लोग हंगामा करने लगे, वो सोचे लगे कि वो घर में कब्जा करेगी। बहन और जीजाजी आपके क्यों ऐसा करते हैं पिताजी के साथ, क्या कारण है? वो प्रॉपर्टी लेके पैसा। हाँ, पैसा प्रॉपर्टी। अभी किसके कब्जे में सारा प्रॉपर्टी? अब उसी के सब, चार लिखा लिया है, चार के चार कट्टा, सारा पेंशन पेंशन भी उनके वही लोग ले रहे हैं। बैंक अकाउंट वही देखते हैं, उसी के पास रहता है। अब पुरानका वाला हमको खाता दिया था, उसी से हम स्टेटमेंट निकाले पूरा, कभी बांका से निकाल रहा है, कभी वहाँ से निकाल रहा पूरा, वहाँ से अभी भी सब मेरे पास। पहले शिकायत किया था इससे, शिकायत थाने में किया था, पिछले साल किए थे हम, तो गए मारपीट किया था तो मजली वाले बहन के साथ, तो गए जाने के बाद तो नौकछा पर पोस्टेड था, नौकछा में, नौकछा से हम आके आए, आने के बाद बोला कि क्या हुआ, थाने में गए, जाने के बाद पूछा कि क्या हुआ, आप कौन है, मतलब इनके लड़के आप क्यों नहीं रहते हैं, सारा चीज़ हम बताएं, ऐसे ऐसे बात है, हम तरस खा के आगे दूर बंदोई साहब पहले साजिश करके आपकी बहन और जीजा आपको घर से बाहर। हाँ, बाहर के बाद इनके संपत्ति पे कब्जा करने को लेके ये किया। हाँ, इशू करने क्या मारता पीटता क्या था, कैसे मारता था? अरे हमको क्या नहीं पता चला सर, हमको हमको ना हम सब अच्छे से रखती होगी, देखते नहीं थे हम, हमको बोलते थे आएगा तो तुम कोर्ट से आएगा, न तो उन्हें डंटा लाठी से मारेंगे हम तुमको, डर से नहीं आते थे। ये बोल हम अपने हम चाहते हैं हम अपने बात को अच्छे से रहते हैं, हम अपने घर में अपना रहना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ नहीं, हम घर में अपने घर में रहना चाहते हैं। भले ही अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो गई हो, लेकिन बाबा नगरी में अभी भी रामलला को लेकर कांबड़ियों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक अगर आपने भी अयोध्या के रामलला का भव्य मंदिर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका प्रारूप बनाकर कलकत्ता के हावड़ा से आए शिव भक्त मुंगेर होते हुए बाबा धाम को प्रस्थान कर गए। वहीं कांवरिया पथ पर राम मंदिर को देख लोग भी अचंभित थे। दरअसल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में शिव भक्त अपने अनोखे अंदाज में लगातार बाबा धाम जा रहे हैं और उनका अनोखा अंदाज अन्य कांवरियों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब सेंचुरी कंपनी के द्वारा महाकाल ग्रुप हावड़ा के घुसड़ी माधव लेन टोली के 35 कांबड़ियों का जत्था अयोध्या के रामलला के मंदिर रूपी कांबड़ को ले बाबा धाम के लिए निकल पड़े। वहीं अयोध्या धाम को देखते ही लोगों का चेहरा और बाबा धाम जाने वाले कांबड़ियों में जोश भर गया। कांबड़ियों ने बताया कि उनके टोली में 30 से 35 सदस्य हैं और कांबड़ का वजन लगभग 125 किलो है। हम लोग बाबा वैद्यनाथ धाम लेके जा रहे हैं, ये हम लोग का कलकत्ता हावड़ा माधव लेन मंदिर मानेश्वर बाबा की तरफ से, वहाँ का टीम हम लोग 35 से 40 जन का टीम है, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं।
कौन सा मंदिर है और क्या चीज से बना हुआ है? राम मंदिर है, इसमें लकड़ी का यूज़ किया गया, बांस का यूज़ किया गया, थर्मोकोल का यूज़ किया गया, लोहा का यूज़ किया गया है पिलर के लिए, सबका सपोर्ट के द्वारा मंदिर बना। कितना दिन लगा इसको तैयार करने में? इसको तैयार करने में लगभग 25 से 30 दिन लगा। लागत की बात करें तो? लागत कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया। क्या क्यों लगा कि आपको मंदिर राम मंदिर लेकर के जाना था? हम लोग हर साल ही कुछ ना कुछ लेके आते हैं। लास्ट ईयर हम लोग केदारनाथ लेके आए थे, इस साल हम लोग राम मंदिर लेके आए। कितने सालों से लेके आ रहे हैं आप? हम लोग लगभग 5-6 साल से लेके आ रहे हैं। हर साल अलग अलग लेके आ रहे हैं। राम मंदिर इसके अंदर क्या क्या प्रतिमा है? इसमें राम मंदिर का खाली प्रतिमा है, राम जी का। कैसा लगता है लेके जाने में? अच्छा लगता है, इसीलिए तो हर साल लेके आते हैं हम लोग, हर साल लेके जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग मेरा नाम हुआ अनु कुमार ठाकुर। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं उसी जगह से आए हैं, पर हम लोग एक छोटा सा स्पॉन्सर, छोटा सा अमाउंट सब भाई लोग मिलके हम लोग छोटा सा स्पॉन्सर कंपनी का थ्रू भी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसी का थ्रू हम लोग आए हैं। कितना वजन होगा इसका? ये राम मंदिर है, इसका वजन 70-80 किलो होगा। कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? इसको बाबा बैजनाथ धाम लेके जा रहे हैं। क्यों लग रहा है कि आपको राम मंदिर लेके जाना चाहिए? राम मंदिर इसलिए लेके जा रहे हैं कि अपना इस साल राम जी का स्थापना हुआ अयोध्या में, इसलिए हम सोचे कि इस साल हम लोग राम मंदिर को ही लेके जाए। कितने सालों से लेके जाते हैं? हम लोग 5-6 साल से लेते जा रहे हैं, अलग अलग, मतलब हम लोग नेक्स्ट ईयर अपना केदारनाथ लेके गए थे, हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग हम लोग लेके जाते हैं। कितना दिन लगा था इसको बनाने में? इसको बनाने में 20-25 दिन लगा था। खुद से बना के लेके जाते? हाँ, हम लोग खुद से बना के जाते हैं। भागलपुर शाहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा मदरसा के पास 28 जुलाई को अपराधियों ने देसी कट्टा सटाकर नकदी रुपया और मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद शाहकुंड थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर लूटी गई मोबाइल एवं नकदी पैसा को बरामद कर लिया। वहीं पूरे मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर DSP चंद्रभूषण कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शाहकुंड थाना क्षेत्र के किरणपुर गांव से अपराधी शशिभूषण के घर पर छापेमारी किया गया, जहां से लूटी गई मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। साथ ही शशिभूषण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कॉन्फ्रेंस शाहकुंड थाना क्षेत्र में हुई एक लूट घटना के सफल उद्भेदन के संबंध में है। दिनांक 28/7/2024 को अम्बा मदरसा के पास कुछ अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा मोबाइल और पैसा का लूट हुआ था और इसमें जो है हथियार का भी उपयोग हुआ था। मामला के संज्ञान में आते ही सीनियर एसपी सर के द्वारा CT SP सर के निगरानी में और DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के अन्य सदस्य के रूप में SHO शाहकुंड जयनाथ सरन, सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार शाहकुंड, सब इंस्पेक्टर देवकरण सिंह शाहकुंड और PSI दिव्या भी थी। इनके द्वारा तुरंत ही छापेमारी करके गुप्त सूचना के आधार पर किरणपुर में शशिभूषण के घर पर छापेमारी किया गया। इसमें जो है मोबाइल जो लूट की गई थी उसका जो है बरामदगी की गई, साथ में मोटरसाइकिल, एक लोडेड कट्टा विधिवत गिरफ्तार जब्त किया गया और जो शशिभूषण इसमें गिरफ्तार हुआ है एक इसका आपराधिक इतिहास भी है, 86/24 ये सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में है। वैशाली जिले के बलीगांव थाना क्षेत्र के लदहो पंचायत के रूपन पट्टी में आम का पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद ने कुछ देर में बड़ा रूप ले लिया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठी डंडा बरसा दिए। वहीं दो पक्षों में हुए झगड़े में एक पक्ष के 4-5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि वैशाली जिले की बलीगांव थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी वार्ड 3 निवासी मंटू सहनी की पत्नी गांगिया देवी और राम प्रवेश सहनी के पक्ष में आम के पेड़ काटने को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ देर तक कहासुनी के बाद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कर दिया,
लेकिन कुछ देर बाद ही राम प्रवेश सैनी अपने पक्ष के लोगों को लेकर आया और गंगिया देवी के पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच जमकर लाठी डंडे चले और खूनी संघर्ष शुरू हो गया। वहीं घायल गंगिया देवी ने बताया कि आवेदन थाने में दे चुकी हूं, हालांकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नापी कलू अपन गाछ उठा कर ले जाए से अहाँ के हो तहाँ ले जाए हम कहला रोकम जे हम न रोक सकली। कौन गाछ काटे हैं? राम प्रवेश सहनी। तो राम प्रवेश सहनी कहलन कि जे तोरा बाप के जितना गार में तोरा गार में औकाद हो उतना गार में औकाद लगा ले, हम अमीन न लबाओ आ न हम कुछो लबो तोरा मर्डर कर देव हम गाछी उठा कर ले जब। हाँ तो हम कहली कल हिया झगड़ा लड़ाई करे के कोई बहस न है जे नापी कलू दुनू पार्टी रुपया लगा कर आया अहाँ गाछी ले जाओ झगड़ा लड़ाई के में बात है से आराम आराम से अपन गाछी ले जाओ। इतने पर की कलन जाकर थाना में कंप्लेन लिखा दिल कंप्लेन लिखा क हमरा जब सब पर केस कर दिलन आ कहलन कि बोलू हम थाना में जाकर पटिशन दे दिलू अब तोरा मर्डर कर देबू देखलू जो तोरा कितना गार में दम हो तो तू हमरा गाछी रोक ले आ हुआ से आयलन सब पूरा उन्ने से हुजिंग लाठी फरसा मतलब जे मन भेल से भेल आ हमरा दुनू प्राणी के हमरा एगो देव है तेकरा जाऊत है तेकरा गोतनी है तेकरा सबके कोई मर्द हमरा घरे उड़े न रह आ सबके मार के सुता क राधे सहनी बलिया के बेटा राम बली सहनी के बेटा सीताराम सहनी के बेटा आ मटरा आ बहिरा के कथी नाम है रघुवीर रघुवीर जय किशुन गुडुआ बबलू। आवेदन थाना में दे दिए? हाँ देले अति सर। क्या एक्शन हुआ कुछ? कोई सुनबे न करे थाना कुछ न सुनैया नहीं तो हमारा में होगा तो ये हमारा है तो नापी का आदेश थाना देकर गया और थाना को प्रशासन को बात भी नहीं मानने के लिए ऐसा ऐसा दमंग आदमी है जो कि थाना गया है पहले आवेदन दे दिया और उसके बाद आया कि अब तुमको मर्डर भी कर देंगे तो तू थाना कोई काम नहीं करेगा। यहाँ 5 लाख रुपया भरे हुए हैं। आप लोग थाना में आवेदन दिए थे? थाना में हम लोग आवेदन नहीं दिए थे, मार करने के बाद में आवेदन दिए तो आवेदन थाना वाला फाड़ कर फेंक दिया। अच्छा। फिर कल गए मेरा केस का FIR किए कि नहीं तो बोला कि आप आवेदन दूसरा लेकर आइए उसमें आवेदन फटा है। हम बोले आवेदन कैसे फटा तो हो सकता कैसे फट गया होगा। थाना वाले बोले कि हो सकता कैसे फट गया है लेकिन आपका आवेदन फटा हुआ है जो दूसरा लिख कर लाइए तो जब तक हम दूसरा आवेदन लिख कर देना है वो एंटी पार्टी पूरा थाना को पैसा भरा हुआ है पहले ही जाकर के पूरा 20-25 आदमी जाकर के उसे संगठन में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश सिंह। घर? घर ऊपर घर तो बगल में है रूपनपट्टी। थाना? थाना बलीगांव। वार्ड नंबर 3। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ के उत्तर बाहनी गंगा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की गंगा स्नान को लेकर भीड़ लग गई। इसी बीच गंगा स्नान करने पहुंचे दो दोस्त नदी में डूब गए जिसमें एक दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर गंगा से बाहर निकल गया जबकि एक लापता बताया जा रहा है। लापता की तलाश SDRF की टीम सहित स्थानीय गोताखोर कर रहे हैं। लापता हुई लड़के के पहचान सुल्तानगंज पटेल नगर निवासी संजय ठाकुर के 20 वर्षीय पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में
या मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkueledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पीरपैंती प्रखंड के सुंदरपुर गेस्ट हाउस में किसान चेतना उत्थान समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुन्ना सिंह ने किया। बैठक में किसानों द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित ताप बिजली घर के लिए अधिकृत की गई जमीन के मुआवजा भुगतान में जिला भू अर्जन पदाधिकारी की ओर से घोर अनियमितता बरती गई। साथ ही भू स्वामियों द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी से गुहार लगाया जा चुका है। बैठक में सरबन सिंह, मोहम्मद मुजाहिद सहित कई किसान मौजूद थे। और मांग क्या क्या था? देखिए, आज जो किसान के साथ जो बैठक किया गया उसका मुख्य उद्देश्य, सबसे पहले तो हम लोग सभी किसान केंद्र सरकार और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किए कि उन्होंने पीरपैंती को पुनः पावर प्रोजेक्ट दिया। पावर इसके लिए पहले तो हम लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। और रही बात किसान की जो मुख्य परेशानियां हैं, जैसे कि भुगतान में एक रुकता नहीं है, किसी को कुछ भुगतान हुआ, किसी को कुछ हुआ, किसी का पंचांग गड़बड़ है, किसी का सक्सेशन सर्टिफिकेट में परेशानी आ रहा है, इन सब बिंदुओं पर और हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि भाई जो यहाँ पावर प्लांट लग रहा है उसमें किसान के बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ के लोकल जो किसान हैं जिनका जमीन गया, सबसे पहले तो उनके बच्चों को, सबसे पहले एक परिवार को, उसके आश्रित को जरूर एक नौकरी मिले। इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने आज बैठक किया था और हम लोग में बहुत खुशी है कि आज यहाँ पावर प्लांट लगने जा रहा है। हम लोगों की खबर लोग चला देते हैं कि किसान जो है बाधित कर रहा है पावर प्लांट को। उद्देश्य था कि यहाँ पावर प्लांट जो बन रहा है उसके लिए मेरे माननीय विधायक जी, मेरे सांसद महोदय जी, दोनों आदमी माला पे माला पहन रहे हैं और किसान की समस्या को उजागर नहीं कर रहे हैं। जबकि ललन जी हम लोगों के साथ जब विधायक नहीं थे तब हम लोगों के साथ आके हर प्रोग्राम में रहते थे साथ साथ। आज भी उनका फोटो हम लोगों के पास है। हम लोग उनसे जाके कमेटी के पास शिष्टमंडल विधायक जी से भी मिलेंगे, हम लोग अजय मंडल जी से भी मिलेंगे, मिलकर अपना समस्या का समाधान करने के लिए कहेंगे। उसे समस्या क्या समस्या? समस्या एक परियोजना एक दर देने की बात थी।
जो कि हम लोगों के हर वार्ड में हर पंचायत में एक एक करके जो है गलत गलत वार्ड जो है गलत गलत बना हुआ है, जबकि सरकार के यहाँ से हम लोगों के पास लेटर निकला है जो हम लोग ने मांगा है RTI के तहत, टोटल मोजा को 19 लाख रुपया एकड़ का देना तय है, लेकिन वहाँ कहीं कोई दिखावा नहीं किया गया है। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम सहित जिले भर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी। वहीं बोलबम के जय घोष के बीच गेरुआ वस्त्र धारण किए कांवरियों ने उत्तर वाहिनी गंगा घाट से गंगा जल लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। इधर भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में लोगों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। आज दूसरी सोमवार है, कृष्ण जी का प्रिय चारों सोमवार होते हैं, इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ा है, दूसरा सोमवार है। आज सावन का दूसरा महासोमवारी है, लाखों श्रद्धालु यहां से जल भर के बाबा बैजनाथ 100 किलोमीटर पैदल यात्रा जा रहे हैं, शांति पूर्वक स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बाबा मनस्कामनाथ मंदिर प्रांगण में दूसरा सोमवारी के लिए पट जो है 11 बजे रात से खुला और सभी श्रद्धालु भक्तगण सुल्तानगंज अजगैबी बाबा से उत्तर वाहिनी से गंगा जल भरते हुए पाँव पैदल बाबा मनस्कामनाथ में आकर जल को अर्पण किया।